भुवनेश्वर खोलिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस भिसीरे ओडिशा रे नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफिस को उद्घाटन करिछंते केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। ड्रग्स माफिया को विरोध रे एनफोर्समेंट को व्यापक करबा पई एही ऑफिस खोला जायछि। सारा देश रे एबे चर्चा रे रहिछि ओडिशा रो गंजे, एमिति कि जमैका, दक्षिण आफ्रिका और थाईलैंड भली विदेश रे भी ओडिशा गंजेर क्रेज रहुछि। तेणु पश्चिमबंगरु चालाण हेउथबा ब्राउन सुगार, कोकेन एवं हेरोइन रो डिमांड ओडिशा रे बढ़ुछि। निशा कारबार ओडिशा रे हु होई बढ़ुथबा बेले एहाकु रोकिबा पई एही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस खोला जायछि। ओडिशा ऑफिस रो सत्यनारायण प्रधान एनसीबी रो डीजी भाबरे काम करुथबा बेले वर्तमान सुधा 1,44,000 किलो ड्रग्स नष्ट करिछन्ते। ऑपरेशन समुद्रगुप्त अधीन रे एनसीबी विभिन्न तदंतकारी एजेंसी सहित मिसी गोटे वर्ष 40,000 कोटी टंका मूल्यर ड्रग्स जबत करिथिबा सामना को आसीछि। तेणु आगामी दिन में भुवनेश्वर में विभिन्न डांस बार, पब, कॉलेज कैंपस, खटी अड्डा रे एनसीबी स्पेशल ड्राइव करियो बोली सूचना मिलिछि। ये जोन पहले कलकत्ता जोन के अंदर में एज ए सब जोन काम कर रहा था, अभी उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट जोन बना दिया गया है। और इस जोन के अंदर उड़ीसा का कंप्लीट पूरा राज्य इसके कंट्रोल में है और हम लोग इसको अपग्रेड कर दिए हैं जोनल लेवल पे। तो हमारा स्टाफ की जो संख्या है अभी तक हमारे पास लगभग 15 लोग यहाँ पे पोस्टेड हैं, तो उसकी संख्या हमें बढ़ करके उम्मीद है इट विल गो टू द 100 के आसपास पहुंच जाएगी विद द कमिंग टाइम, जैसे पोस्टिंग्स अवेलेबल होंगी। तो हम लोगों का जो एरिया पूरे उड़ीसा का है तो उसमें हम लोग और ज्यादा काम कर पाएंगे आप लोगों के साथ मिलकर के। वर्तमान समय हुई को छोटिया ब्रेक रो, ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। श्रावण द्वितीय सोमवार सहित संक्रांति और चिता लागी अमावास्या, भोर भोरु राज्यर सबु शैवालय श्रद्धालु भिड़, प्राय 40,000 कावड़िया लिंगराज को कले जल लागी, लोकनाथ पीठ से भी पानी ढालिले हजार हजार श्रद्धा। प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। दिल्ली में विपद टी सरणी दुर्दशा, गतकाली जमुनार जलस्तर खसी कि सका 8 जलस्तर पुणी सामान्य बढ़ी, लगातार 3 घंटा धरी बढ़ी चली जलस्तर। पापाग विभाग पूर्वानुमान कर आज दिल्ली में सामान्य वर्षा हो पाए, तेणु अनुमान जलस्तर आज विपद संकेत उपरकू जा। सहरर अनेक अंचल एवं भी पाघेर अच्छी, खासकर आईटीओ अंचल पा भरी रही से अंचल जातायात बाधाप्राप्त हो, तेरे मुख्य रास्त जातायात पुणी आरंभ हो, जो पोल पार कर पड़े से पा भर दे जा। सहरर अनेक अंचल रास्त पा लहड़ी मार्च, राजघाटे पा छाड़े भी एवं महात्मा गांधी समाधिस्थल में पा रही। सेपटे दिल्लीर 6 जिले विभिन्न स्कूल को अधिक 2 दिन लगे बंद कर दी। भुवनेश्वर यूनिट 9 सरकारी बालिका उच्च विद्यालय में ताला पकाई धारण में बसिले छात्री अभिभावक, सरकारी बालिका उच्च विद्यालय यूनिट 9 बालक स्कूल में मिशिबा घटना को विरोध। स्कूल रमादेवी कैंपस आरंभ होने पूर्व विभाग चिठी करता है, छात्री अभिभावक मैंने विरोध कर स्कूल में ताला पकाई विक्षोभ प्रदर्शन करते, निज स्कूल छाड़बु ना जिद्रे बस छात्री। शुणिलानी बीएमसी आज बंद मार्केट बिल्डिंग, धारण में बसवे 165 व्यवसायी, भुवनेश्वर सबुठ जनगहलीपूर्ण मार्केट बिल्डिंग बंद रखा निष्पत्ति। सेंट्रल मार्केट व्यवसायी संघ मार्केट बिल्डिंग परिसर में स्थायी और अस्थायी बिवाद समाधान एजाए हो पारे ना। समस्या समाधान लगी सेंट्रल मार्केट व्यवसायी संघ पक्ष बीएमसी को 3 दिन समय दी, प्रतिश्रुति मुताबक उठा दोकानी बीएमसी उठाई पार आज मार्केट बिल्डिंग बंद रखी व्यवसायी संघ, समस्या समाधान न होगा पर्यंत मार्केट बंद रहे बोली संघ पक्ष। गंजाम नकली डाक्तर गिरफ, सानखमुंडी ब्लक डेंगा उसाठा एक क्लिनिक नकली डाक्तर सुभ्रजित पंडा को गिरफ कर दिगपहंडी पुलिस। सुभ्रजित घर ढेंकानाल जिला संडा गांव में
चिता लागी अमावास्या तिथि महाप्रभुंकर मस्तकरे रत्न चिता लागी होइछि। महाप्रभु जगन्नाथंकर मस्तकरे ब्रह्म ज्योति हीरा, बलभद्रंकर मस्तकरे नीला एवं सुभद्रांकर मस्तकरे दुर्मूल्य पान्ना खचित रत्न चिता लागी करा जायछि। स्नान पूर्णिमा दिन श्रीजूंकर मस्तकरु खोला जायथिला ए दुर्मूल्य रत्न चिता। श्रावण मास लागी अमावास्या तिथि परंपरा अनुसार दईतापति माने महाप्रभु को यह रत्न चिता को लगे। सेबट आज चितो अमावास्या रही कोठभोग स्वार पक्ष स्वतंत्र प्रस्तुत होता 200 अधिक चितो पिठा भोग हो चितो पिठार महात्म्य बे स्वतंत्र भक्त और सेवायत। विश्वर सबुठ दुर्मूल्य रत्न चिता को परिधान कर श्रीमंदिर झटकुंट विश्व निंता पवित्र चिता लगी अमावास्या श्रीजीव को रत्न लगी चिता लगी सकाधूप बढ़ी प्रथम भोगमंडप दईतापति सेवक मैंने महाप्रभु को सुवर्णर चिता लगी कर स्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु मस्तक खोला जाता दुर्मूल्य रत्न चिता लगे अति सुंदर दिशुंट महाप्रभु शुद्धस्वरों द्वारा प्रस्तुत औषध माध्यम चारि बाड़ग्राही और दईतापति मान दीर्घ 4 घंटा धरी महाप्रभु को यह नीति संपन्न करते तेज महाप्रभु जगन्नाथ को ब्रह्मज्योति हीरा, बलभद्र को नीला और सुभद्रा को दुर्मूल्य पाना खचित रत्नचिता लागे करा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ सुनोचिता मझे हीरा रही चितार 7 बेढ़ माणिक्य हीरा पाना और उपल खंजा जा शेष अर्थात सप्तम बेढ़ शीर्षे चितार शीर्षे पानपत्र आकृतिर एक हीरा पथर रही ब्रह्मज्योति हीरा कहुए बड़ ठाकुर श्री बलभद्र स्वर्णचिता मझे एक बड़ मर्कद पथर व नीला रही देवी सुभद्रा पाना चिता मझे एक बड़ माणिक्य पथर रही जो चिता महाप्रभु स्नान पूर्णिमा दिन अनवसर गृह श्रीअंगु लागी से चिता आज महाप्रभु मस्तक लगी हम बड़ ठाकुर मस्तक गोखुराकृति नीलम चिता माँ सुभद्रा कंपिल्यवासी मस्तक माणिक्य चिता एवं जगन्नाथ महाप्रभु मस्तक हीरा चिता दईता सेवक मैने अन्य सेवक मान ग्रहण से प्रभु सेवा अनुष्ठित होता है। स्नान पूर्णिमा दिन रात महाप्रभु से चिता को आम काढ़ भंडार घर थाए एवं महाप्रभु जो रथ उपुर पहुंचे जाती से सोलो चितार कुंडीचा दिन चिता लगी था महाप्रभु से ही चिता पर्यंत सोलो चिता पर्यंत आज पर्यंत महाप्रभु था आज चिता लगे अमावास्या महाप्रभु आज सकाल धूप भोगमंडप सरला समस्त दईतापति मान गोष्ठीगत सेवा चितु अमावास्या महाप्रभु तीन महाप्रभु जो मुख एने जो खाली पड़ी हाँ से ही मुख महाप्रभु चिता लगी ये कराए जगन्नाथ हीरा पथर एवं बठाकुर पाना आ जगन्नाथ सुभद्रा माँ मणि। श्रावण अमावास्या श्रीमंदिर भोगमंडप नीति शेष पर रत्न सिंहासन श्रीदेवी और भूदेवी खटसेज घर को विजे करपुर श्रीजीव झोबा मैलम हो जयविजय द्वार बंद होता है। यही दिन सगर विजे कर अमावास्या ठाकुर श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजे करने पति महापात्र बाड़ग्राही दईता मैंने रत्न सिंहासन श्रीजीव चितलागी कार्य कर चितलागी नीति संपन्न होगापर महास्नान बढ़ी अन्यान्य नीति होता है। यही तिथि केतक निजोग मानक पक्षर आलती होते छेना ताड़िया फाड़सोला प्रभृति भोग होता है। सेपटे चितु अमावास्या रही कोठभोग स्वार पक्षर स्वतंत्र भाव प्रस्तुत होता 200 अधिक चितौ पिठा भोग हो पिठाप्रिय महाप्रभु कालिया सांते अनेक रकम पिठा खाई बेले चितौ पिठार महात्म्य बे स्वतंत्र भक्त एवं सेवायत कोठभोग सुपकार सेवायत मान चाउल आ नड़िया को बाटिकी पिठा को प्रस्तुत करती चाउल नड़िया क्षीर एटा बटा होकर संध्या धूप से आपंकर चिता लग सारा संध्या धूप पूजा समय पिठाटा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी समस्त को यहाँ पूजा करा जाए। चितालागी नीति दिन 2 संध्या 6 पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रही रत्न खचित स्वर्ण चिता को पूर्व अर्थात स्नान पूर्णिमा दिन रात्रि श्रीजीव श्रीकपाल देशर ओलागी चिता को भंडारू अणाई श्रीमंदिर परिसर में देउलकरण चढ़ाऊकरण श्रीमंदिर प्रशासन पदाधिकारी उपस्थित बणिया सेवकों जरिए सफा कर पुनः संस्थापित होता है। कहुए रक्तवाहु आक्रमण समय चतुर्धा मूर्ति को सुवर्णपुर पाताली
ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯଜାତିକେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ ପଟ୍ଟାଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏହି ରତ୍ନ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି କରାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ବୋଲ୍ ବମ୍, ହରହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ପରିବେଶ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 27,000 ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବାରୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼। ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ରାତି ଅଧରୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିଲା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼। ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଧାଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋର 4:30 ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 40,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କୋଟିତୀର୍ଥ ଲେନ୍ରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅପରାହ୍ନ 12 ଯାଏଁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ହମ ଲୋକ ଲଗଭଗ ସନ୍ଡେ କୋ ପାନି ଉଠାଏ ହେଁ ଔର ସୁବହ 4 ବଜେ ସେ ହମ ଲୋକ ଲାଇନ ମେ ଲଗା ହେଁ ଅଭି ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ମନ୍ଦିର ମେ ଗେଟ ମିଲା ହେଁ ଗେଟ ପାସ ମିଲା ହେଁ। ଆଜ ଦର୍ଶନ ହୋ ଜାଏଗା। पहले बार आए हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है। इतना परेशानी झेला है। ଆମର କାଉଁଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନେ ରାତି ଗୋଟେରୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ଏକ ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଛି, ଯେକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାରୋହ ଦର୍ଶନ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ପଡ଼ିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମାରୋହ ରହିଛି, ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କର ପୀଠରେ 27,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେବ ସେଟା ଆଶା କରି ଆମର ଏସ୍ପି ପୁରୀ ସାର୍ ସେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସର ବି ଅଧିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା, ଆମର ଅଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଆଶା କରିକି, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆମ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛୁ। ଜଳ ଲାଗି ସହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବାଳୟରେ ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ସେପଟେ ମଳ ମାସ ବା ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଜଳ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି 4 ସୋମବାର ପରେ ଶେଷ ସୋମବାର ପାଳିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା ଓ ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ସାନଖିମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗା ଉସ୍ତାଠାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୁଲିସ୍। ଶୁଭ୍ରଜିତଙ୍କ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ସାନଖିମୁଣ୍ଡି ସହିତ କଟକର ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କହି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପାଉଥିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାର ଏକ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ନିକଟକୁ ରୋଗୀ ବେଶରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଔଷଧ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। 2020 ଶୁଭ୍ରଜିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଡାକ୍ତର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଚିକଲାଗୁଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଶୁଭ୍ରଜିତଙ୍କୁ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଗମ୍ପଣ୍ଡି ପୋଲିସରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେ କେବେ ଆସିବେ କ'ଣ ସେ ସବୁ କଭର କାଟିକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଲୁ। ଧରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ତା ପାଖରେ ପୁରା ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେ ଡାକ୍ତର ଭଳିଆ କରିକି ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ଭଳିଆ ପରିଚୟ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କଟକରେ ରାଣୀଘାଟ ଏରିଆରେ
ସେଠି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପଲିକ୍ଲିନିକ୍ ବୋଲି କରିକି ସେ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତାପରେ